अरे भाई हमारे सबका कुछ खाने पीने मोदी देबे ना करे तो क्या, हम सबको यहाँ ना काम है ना दाम है तो घर भागेंगे और क्या करेंगे। खाना पीना कोई हमारे सबको देते नहीं है। मेरी ये बहू रह रही है, इसका घर वाला गाँव पसा पड़ा, तीन बच्चे इधर पाल रही है। अच्छा। भाई कोई सुनवाना इधर है। अभी आप घर जाना चाहते हो? और क्या करेंगे खावे यहाँ पे। तो सरकार आपको राशन नहीं दे रही? सर नहीं देती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देती, और किराए पे रहते हैं हम। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। कोरोना वायरस को लेकर के प्रशासन और सरकार के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर कोई काम करो तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जिला प्रशासन की बिल्कुल नाक के नीचे जो इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। सिरसा के शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम के अंदर ये तमाम जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इनका यहाँ पे मेडिकल हो रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ले जा करके दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस प्रकार से कितने मजदूर और इनके बीच में एक मीटर की, दो मीटर की दूरी तो क्या, एक इंच की दूरी भी आपको नहीं दिखाई देगी। और लगभग सभी ने अपने मुंह पे मास्क तो हमें देखने को मिल रहे हैं, किसी ने रुमाल लगा रखा है, किसी ने मास्क लगा रखा है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहूं तो यहां पे छोटे छोटे बच्चे भी इस लाइन में लगे हुए हमें दिखाई दिए हैं। अब न जाने कहाँ गया वो प्रशासन, कहाँ गया वो पुलिस प्रशासन जो लगातार गाँव के अंदर जा कर के लोगों की छित्र परेड करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, आप कानून की उल्लंघना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और इन लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा, इनका ख्याल कौन रखेगा? यहाँ पे ना तो किसी तरह से कोई पुलिस प्रशासन हमें दिखाई दिया है, ना ही कोई जिला प्रशासन यहाँ पे हमें दिखाई दिया है। चलिए, यहाँ पे कुछ एक मजदूर हमारे साथ मौजूद है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अपनी घर जाने को लेकर के अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार ये मजदूर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस तरह की लाइनों में खड़ा रहने को इनको मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी दूसरी साइड में आपको दिखाना चाहूँ तो ये भी देख सकते हैं ये तमाम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब इनकी बारी आए, उनका मेडिकल हो और उसके बाद हम अपने घर को जाएं। अपने पैतृक घर को तो न जाने कब इनसे जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हैं। चलिए, कुछ एक मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? लाला राम। लाला लाल, कहाँ से हो आप? गोंडा से। गोंडा से? गोंडा, गोंडा। अच्छा, गोंडा से। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ क्या काम करते हो आप? यहाँ मजदूरी। मजदूरी करते हो? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हो गया 50 साल। 50 साल हो गया आप? अच्छा, तो अभी आपने घर जाना है वापस? हाँ जी। चलिए, यहाँ पे कुछ एक महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? नीरू। कहाँ से हो आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? हो गए 20 साल। 20 साल हो गए। क्या काम करते हो यहाँ? छोले कुलचे का। छोले कुलचे का। अच्छा, तो अभी आप घर जाना चाहते हो? और क्या करेंगे खावे यहाँ पे। तो सरकार आपको राशन नहीं दे रही? सर नहीं देती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देती, और किराए पे रहते हैं हम। अच्छा। हम मजदूरी करते हैं। अच्छा। के खावे यहाँ सरकार कुछ नहीं दे रही, काम ही नहीं, और काम ही नहीं है कोई तो क्या करें, कमाने खाने का जब कोई वो नहीं है तो घर ही जाएंगे। अच्छा। और तो चलिए उनसे और पूछते हैं, महिलाओं से। अरे भाई हमारे सबका कुछ खाने पीने मोदी देबे ना करे तो क्या, हम सबको यहाँ ना काम है ना दाम है तो घर भागेंगे और क्या करेंगे। खाना पीना कोई हमारे सबको देते नहीं है, ना गली वाले लेना टिकट देते हैं। हाँ, क्या नाम है जी आपका? प्रीति। प्रीति, कहाँ से हो आप? हरदोई जिला से। हरदोई जिला से। यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ भाई दिहाड़ी करते हैं हमारे घर वाले। अच्छा। हम उनके साथ में रहने के लिए आए थे यहाँ पे। टाइम हो गया आपको? हमें यहाँ से 9 साल हो गए रहते हुए। हाँ जी। तो अभी आप ऐसे लाइन में क्यों खड़े हो? क्या करें भाई, घर तो जाना ही है। हाँ। इसलिए तो लाइन में पास बनवाने के लिए आए हैं। कह रहे हैं कि मोदी पास बनवाओ फिर घर जा पाओगे। अच्छा। इसीलिए हम लाइन में लगे हुए हैं पास बनवाने के लिए। बच्चा अपने घर पे छोड़ के आए छोटा, अब क्या करें, यहाँ पे चालू नहीं कर रहा कोई पास बनवाने के लिए। यूपी वाली के कोई सुन ही नहीं रहा है, क्या करें हम। अच्छा, अब कितने बजे से आप लाइन में खड़े हैं? सुबह के हम आए हैं 9-10 बजे के, 9-10 बजे नहीं 8 बजे के आए हम लोग। अच्छा। बाकी बंदे और भी जल्दी के आए हुए हैं, हम लोग खाना बना के फिर घर से निकले थे अपने। कहाँ से हो आप? हम यूपी से हैं। यूपी जी। हाँ। अच्छा, यहाँ कितने बजे आए? हम 8:30 बजे आ गए। हाँ जी। अच्छा, तो आप इस लाइन में खड़े क्यों हो? हम यहाँ पे चेकअप कराने आए हैं। अच्छा। ये जो वायरस चल रहा है ना इस वक्त, तो इसका चेकअप कराने आए। लेकिन यहाँ के मैनेजर जो हैं
वो अभी 9 बजे से अभी तक नहीं बैठे हैं। वहाँ की लाइनें सभी चल रही है और यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब तो कोई आया नहीं, बस कर लाइनें लगाओ, अब कैसे लाइनें लगेगी। हरदोई जिला के रहने वाली हैं, मेरे बच्चे रात इधर मजदूरी करते, दिहाड़ी वाला। हाँ, मेरी ये बहू रह रही है, इसका घर वाला गाँव पसा पड़ा, 3 बच्चे इधर पाल रही है। अच्छा। भाई कोई सुनवा नहीं इधर है। बताओ वो, मैं लाइन में कितने बजे लगे थे? मैं सुबह की आई है, 9 बजे की, 9 बजे की आई, और लाइन करवाने आई, कोई सुनवा नहीं है। अच्छा। 9 बजे के सारे में, 9 बजे के सारे लोग आई है, खड़ी सारी 9 बजे खड़ी है। लीजिए, सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें। हालांकि सरकार की तरफ से शायद बजट आया भी होगा, इतना राशन आया भी होगा कि गरीबों के अंदर बांट दिया जाए। यहाँ पे जितने भी ये गरीब परिवार, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो परिवार खड़े हुए हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, इनमें से किसी एक को भी राशन इन्होंने नहीं बताया है कि इनको मिला है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो अपनी जान की बाजी लगा करके भी ये अपने घर जाने के लिए लोग बेताब हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पे सरेआम उड़ाई जा रही हैं। अगर मैं इसके बाद इधर आपको दिखाना चाहूं तो ये खिड़की जो है यहाँ पे, ये लोग, मजदूर लोग बोल रहे हैं कि ये बाबूजी जो हैं ये अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं। हालांकि समय मैं आपको बता दूं कि 10:40 हो चुकी है, लेकिन ये बाबूजी अब तक इतनी जहमत नहीं उठा पाए रहे हैं कि यहाँ पे आ करके इन मजदूरों की व्यथा, इन मजदूरों का हाल जाने, इन मजदूरों को जो है सुविधा जो है इनका मेडिकल चेकअप के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा दिया जाए। चलिए आगे अंदर चल के हम बातचीत करते हैं प्रशासन से भी यहाँ पे कि आखिर किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग उनके द्वारा करवाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, बाकी सभी टेबल यहाँ पे चली हुई हैं, लगी हुई हैं, एक लास्ट वाली टेबल क्यों नहीं चली? वो अभी आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, अभी उनसे बात हुई है, आने वाले हैं, बस 2 मिनट में आने वाले हैं। कितने बजे का टाइम है सर यहाँ आने का? 10 बजे का, और अब 10:40 से टाइम हो गया, तो आए क्यों नहीं सर? वो कल रविवार को काफ़ी लेट तक काम करते रहे हम, इस वजह से वो आज थोड़ा सा लेट हो गई, उनको कहीं और ड्यूटी लगा रखी है उनकी, अभी आने वाले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दी? हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं जी इनको, हम चाहते हैं भी ये पूरी इसकी पालना हो, लेकिन फिर भी ये क्या करें। क्या पुलिस सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिली? शराब के ठेकों पे पुलिस लगा दी, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं? आपने डिमांड नहीं की? डिमांड की हुई है जी। अच्छा। डिमांड की हुई है, डिमांड कल भी आए थे, और पता नहीं अब यहाँ खड़े भी होंगे बाहर? नहीं है सर, कोई नहीं, मैंने तो चारों तरफ देख लिया, कोई नहीं। मेरे ख्याल में तो खड़े होंगे, अभी खड़े अंदर आए थे। अच्छा। अंदर आए थे अभी, और मैं तो अभी इसलिए इनको फ़ोन कर रहा था दोबारा फिर से भी, वो जल्दी आ जाएं, वो कह रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने आपको मिलवाया कि तमाम ये जो मजदूर हैं इनको ना तो समय पर राशन मिल रहा है, ना खाने को सामान मिल रहा है, यानी कि खाने के लाले इनको यहाँ पे पड़े हुए हैं। यही कारण है कि ये लोग जो अपनी जान की बाजी लगा कर भी अपने घर जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार के जो तमाम दावे हैं हर गरीब परिवार तक राशन पहुंचाने का, उस दावे की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां यहां पे उड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार को शराबियों की तो चिंता है, शराब के ठेके पर तो पुलिस कर्मचारी जो है उनकी तैनाती कर दी कि उनकी देखरेख में शराब बिकेगी, लेकिन यहाँ पर इन तमाम लोगों की चिंता सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण ये है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो किसी प्रकार से कोई पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है, ना कोई पुलिस कर्मचारी है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे तैनात किया गया है कि इन लोगों का सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर ले। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या शराबी जो है इन लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए कि उन लोगों को कहीं कोरोना ना हो जाए और इन लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर करके छोड़ दिया? क्या इनका कसूर यही है कि ये एक गरीब परिवार से हैं, अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने घरों को छोड़ करके वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और दूसरा सवाल ये होता है कि अगर सरकार के तरफ से जो राशन भेजा जाता है वो राशन इन परिवारों तक क्यों नहीं पहुँच पाया? हालाँकि कुछ समय पहले कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इस तरह के कार्य कर रही थी, लेकिन उन्होंने भी अब प्रशासन के साथ मिलकर के खाना बांटने से मना कर दिया। तो ऐसे में क्या इसमें कोई ना कोई घोटाले की आशंका
हो सकती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।